हेलो फ्रेंड, अगर आपके एडेनियम के फ्लावर प्लांट में फ्लावर खिलने से पहले ही कलियां गिर जाती हैं तो आप एक कप ये सीवीड फर्टिलाइज़र की चाय अपने एडेनियम प्लांट को पिला दीजिए। ये सीवीड फर्टिलाइज़र है साथियों। एक कप चाय अगर अपने एडेनियम प्लांट को पिला देंगे तो देखिए आपका एडेनियम प्लांट भी भर भरा के खिल उठेगा और इस तरह से फूलों से लद जाएगा आपका भी एडेनियम प्लांट। तो क्या है ये, क्या है, कैसे देना है, कब देना है, कितना देना है, ये सब मैं वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। रहिएगा, अगर फूल नहीं आ रहे हैं एडेनियम पर तो कैसा इसका यूज़ करें, किस तरह इसका इस्तेमाल करें जिससे इस तरह की हैवी ब्लूमिंग आप पा सकते हैं। फ्रेंड्स, एडेनियम एक समर ग्रोइंग प्लांट है। महीने में अप्रैल और मार्च के महीने से ही इसमें इस तरह की हैवी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और नर्सरी पर फरवरी के लास्ट से ही और मार्च से ही ये पौधे बहुत मात्रा में मिलने लगते हैं। अगर आपको अपने प्लांट पर हैवी फ्लावरिंग पानी है, क्वांटिटी में फूल पानी है साथियों, तो इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर ऐड करिए। बस 2 महीना छोड़कर 10 महीना ये इस तरह से फूलों से लदा रहता है। आपको मार्च, आप इसे कई नामों से जानते हैं साथियों, जैसे एडेनियम, डेजर्ट रोज और बहुत प्यारा फूल होता है। इनके बहुत सारे कलर्स आते हैं, मैं आपको कई कलर दिखाऊंगी। देखिए, एक कलर पिंक है, एक ये है और एक ये है। देखिए कितना ब्यूटीफुल फूल है। एक ये है, रेड है, ये डार्क पिंक है, ये मतलब बहुत कलर के फूल आते हैं और ये ग्राफ्टेड भी मिलते हैं साथियों। ये देखिए, यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि ये ग्राफ्टेड प्लांट है। ग्राफ्टेड भी आते हैं, सीड ग्रोन भी आते हैं, सिंगल पेटल, ये सिंगल पेटल है और साथियों ये डबल पेटल है। आपको कई क्वालिटी दिखाऊंगी और ट्रिपल पेटल भी है मेरे पास, जो कि अभी खिला नहीं है। कलियाँ बहुत सारी बनी हैं, बस कल ही खिलने वाली हैं। तो अगर फ्रेंड प्राइस की बात कर ले तो ये थोड़ा कास्टली ज़रूर मिलते हैं। ये जो कॉमन वाला ओबीसम है, ये छोटे प्लांट 150, 150, 200 के मिल जाते हैं। छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, इतने बड़े पौधे तो नहीं मिलते हैं। तो ये रोज़ी ब्रांड है, तो इनका ये रोज़ी ब्रांड है, ट्रिपल पेटल है साथियों। ये देखिए कितना बड़ा फूल खिल रहा है, गुलाब भी फेल है इसके आगे। तो ये थोड़ा कास्टली मिलता है, 350-400 के मिलते हैं। आप अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर से ज़रूर ऐड करें। हैवी क्वांटिटी में फूल प्रोड्यूस करता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पत्तियां ही नहीं हैं इस प्लांट में साथियों। फरवरी से लेके मार्च तक मैंने अपने प्लांट में क्या केयर करी है, क्या खाद दिया है, सब कुछ आपके बीच में मैंने साथियों शेयर किया हुआ है। हर दिन आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आती हूँ, ताकि आपके भी प्लांट में इस तरह की प्यारी सी ब्लूमिंग हो सके। कई लोगों ने कमेंट किया, ये वीडियो प्रमोद मनी त्रिपाठी जी के लिए है कि फ्रेंड्स आपके प्लांट में भी इस तरह की फ्लावरिंग होगी। बस थोड़ा सा इस वीडियो पर पूरा गौर से देखिएगा, पढ़िए, समझिएगा। आप सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। 70-75 प्लांट हैं साथियों, सब में ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। एक आध पौधा ऐसा है जिसमें नहीं हुई है। देखिए छोटा सा मात्र पौधा है, कलियाँ कितनी हैं और सब में ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। महीने में एक बार ही जो मैं खाद बता रही हूँ, वो महीने में 20-25 दिन में एक बार देना है आपको। सॉलिड खाद तो साथियों महीने में एक ही बार आपको देना है, लेकिन लिक्विड खाद देने से क्या होगा, जो आपकी कलियों में
ड्रॉप होने की प्रॉब्लम है वो समस्या बंद हो जाएगी और सारी की सारी कलियां साथियों इस तरह से खिल के फूल बन जाएंगी। आप देख पा रहे हैं जैसा मेरा प्लांट इस तरह से हैवी ब्लूमिंग कर रहे हैं, इसका कारण यह है। आपको कारण बताना चाहूँगी कि इस तरह ब्लूमिंग तभी होगी जब मेरा प्लांट देखिए सुबह 8:30-9 बजे से ही लेकर यहाँ धूप आ जाती है। मेरे सारे 75 प्लांट साथियों कहाँ तक दिखा पाऊँगी, धूप में ही रखे हैं, इसीलिए इस पर इतनी मात्रा में फूल खिल रहे हैं। अब करना क्या होगा साथियों, आप अपने इस प्लांट से सूखे फूल जो गमले में गिर गए हैं ये देखिए अभी भी पड़ा है, और जो प्लांट के ऊपर सूखे फूल हो गए हैं उनको हटाते रहिए। इस तरह से जो सूखे फूल हैं उनको हटाते रहिए। अब जैसे आप ये फूल सूखे फूल हटा देंगे तो देखिए ये एकदम बूके के जैसा आपको दिखेगा। ये प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ एकदम बूके के जैसा दिख रहा है। अब कितना खूबसूरत है। आप अपने प्लांट से सूखे फूल ज़रूर हटा दीजिए। देखिए ये मेरे रेनबो का पौधा है, इसकी मैंने हार्ट प्रूनिंग की थी और इसको मैंने बोनसाई बनाया है। रेनबो का पौधा है, देखिए कितना खूबसूरत फूल है और अब सारी कलियां खिलने को तैयार हैं, खिल भी चुकी हैं बहुत सारी। तो साथियों इस तरह से पत्तियों से ज़्यादा आपको फूल मिलेंगे अगर आप प्रॉपर धूप देंगे। इनको 7-6 घंटे की धूप देंगे तो इस तरह से प्रॉपर फूल ही फूल मिलेंगे, पत्तियां नहीं मिलेंगी। अब ध्यान रहे साथियों, प्लांट बहुत ही पुशी हो सकता है लेकिन आपको इसके लिए कुछ काम करना होगा। फरवरी के महीने में अच्छे से हार्ड प्रूनिंग करनी होगी, मल्टीपल ब्रांचेस निकल के आएंगी। इस प्लांट को मैंने प्रून किया था साथियों, 2 ही ब्रांच थी लेकिन प्रून करने के बाद इस पर देखिए मल्टीपल ब्रांचेस निकल कर आई हैं और फ्लावरिंग। इस तरह से प्लांट आपका बुशी हो जाएगा। प्लांट की कटिंग से ही मैंने कई प्लांट बनाए हैं। ये देखिए बड़े वाले प्लांट की कटिंग ले ली और लगा दिया। अगस्त के महीने में मैंने कटिंग लगाई थी, ग्रो भी हो गई। अब इस पर देखिए कलियां भी आ गई हैं, पत्तियां नहीं आई पहले कली आ गई। तो इस तरह से अगर आपको बुशी प्लांट पाना है तो साथियों प्रूनिंग ज़रूर अपने प्लांट की करिएगा। दूसरी बात है, अब इनकी वाटरिंग की रिक्वायर, पानी की ज़रूरत कुछ बढ़ गई है। तेज़ काफ़ी गर्मी धूप होने लगी है साथियों। इस टाइम अगर अपने एडेनियम में आपको डेली वाटरिंग करनी है, शाम को पानी डाल गई थी, देखिए अभी भी मट्टी हमारे प्लांट की सॉइल जो है मॉइस्ट है, एकदम मॉइस्ट है, तो डेली वाटरिंग करनी है। पर हाँ अगर मौसम में बदलाव है, बदली है, बूंदाबांदी है तो आप पानी को अवॉइड कर दीजिए। मिट्टी गीली है तो आप पानी ना दीजिए, क्योंकि अगर तेज धूप है, गर्मी है, रोज़ पानी इनको नहीं मिलेगा तो होगा ये कि सुबह फूल खिलेंगे और शाम को मुरझा जाएंगे। और अगर पानी टाइम टू टाइम इनको देते रहेंगे तो ये फूल महीनों खिले रहेंगे। आप एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहती हूँ, मार्च की 15 तारीख के बाद से इस प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है और 1 महीना हो गया है पूरा है, लेकिन अभी भी इसमें फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग है। तो इस तरह से पानी का ध्यान रखेंगे तो फूल बहुत समय तक टिके रहेंगे। अब खाद की बात कर लें साथियों, तो ये हैवी फीडर प्लांट तो है, महीने में एक बार सॉलिड खाद दे दीजिए, जैसे बर्मी कंपोस्ट है और बोन मील है। मैं तो 10-15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर करके और इसमें बोन मील का इस्तेमाल मैं हर महीने करती हूँ। अब ध्यान रहे साथियों कि इनके पॉट के नीचे 2 से ज़्यादा होल होने चाहिए, जिससे कि
एयर सर्कुलेशन अच्छा बना रहे। एयर सर्कुलेशन बना होगा तो जड़ें स्ट्रांग हो जाएंगी और फ्लावरिंग, तो इस तरह से फिर प्लांट जब इसकी रूट स्ट्रांग होंगी तो फ्लावरिंग तो इस तरह से ये करेगा ही। अब आपको करना क्या होगा, चलिए मैं दिखा देती हूँ। जड़ों से थोड़ी दूर पर रिम के पास, जो गमले का किनारा है उसके पास, हल्के हल्के हाथों से आप 15-20 दिन में एक बार इसकी गुड़ाई ज़रूर करते रहिए साथियों। इससे ये होगा कि हमारे प्लांट को हवा बयार मिलती रहेगी, एयर सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा। बस हल्के हाथों से करना है, देखिएगा कभी भी इनके स्टेम पर, देखिए इस पर कभी कट नहीं लगना चाहिए। अगर लग गया तो नाखून लग जाने से भी बीच में फंगस लगने का डर रहता है। तो साथियों इनकी देखभाल और बचाव हमें बहुत ज़रूरी है। अब मैं जो आपको फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन बड़ी अच्छी मात्रा में होता है आपके प्लांट में भी। प्रमोद जी ये वीडियो खास कर आपके लिए है, अगर आप इस तरह से देखभाल करेंगे तो आपके प्लांट में भी इस तरह की हैवी फ्लावरिंग होगी। अब लिक्विड फर्टिलाइज़र में हमें क्या देना है, आपको मैंने 2-3 दिन से दिखा रही हूँ लगातार कि केले के छिलकों की पानी में भिगो दीजिए, 2-3 छिलकों को छोटा छोटा टुकड़ा काट के, और फिर 2 दिन के बाद उस पानी को छान के उसमें उतना ही सादा पानी मिला के अपने सब प्लांटों में एक एक ग्लास दे दीजिए, तो इस तरह की फ्लावरिंग होने लगेगी। केले के छिलके बहुत ज़्यादा पोटेशियम वाला होता है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिशन बहुत अच्छी तादाद में होता है, आपके प्लांट में फ्लावरिंग ज़रूर होगी। अब आपको बताऊंगी कि सीवीड फर्टिलाइज़र को कैसे देना है, जो कलियां बनेंगी, चलिए मैं दिखा देती हूँ साथियों। देखिए मेरा शीशी टूट गया था तो मैंने छोटी शीशी में रखा है, सीवीड फर्टिलाइज़र है, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। यही चाय पिलाने की बात मैंने शुरू में की थी। अब करना क्या होगा साथियों कि एक गिलास आप पानी ले लीजिए, मैं एक प्लांट के हिसाब से बता रही हूँ, आप अपने प्लांट की रिक्वायर के हिसाब से फर्टिलाइज़र बना लीजिएगा। ये सीवीड फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक है पूरी तरह से। ये देखिए ग्लास पानी में 4 बूंद इस तरह से मिला लीजिए और इस तरह से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रहे साथियों कि गर्मी के दिनों में कोई भी फर्टिलाइज़र आपको प्योर नहीं देना है। अब थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, साफ ले लीजिए, वैक्सीन ले लीजिए और अपने फर्टिलाइज़र में इस तरह से ज़रा सा मिला दीजिए, 1/2 चम्मच। ये देखिए इस तरह से आपका ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो गया। अब आपने प्लांट की गुड़ाई तो कर ही ली होगी साथियों, अब गुड़ाई करने के बाद अपने प्लांट में 1/2 गिलास चाय ये वाली पिला दीजिए। सीवीड फर्टिलाइज़र अब एकदम से ऑर्गेनिक है, जिस प्लांटों में फ्लावरिंग हो रही है, इस तरह से हैवी ब्लूमिंग हो रही है, उन प्लांटों में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्च के महीने में हमने इनको लिक्विड बनाना फील फर्टिलाइज़र भी दिया था और रिपोर्टिंग करते समय बोन मील भी दिया था, इसलिए अब इनको नहीं चाहिए। जिन प्लांटों में अभी कलियां और फ्लावरिंग नहीं हो रही हैं उनमें देना है आपको सीवीड फर्टिलाइज़र। इससे क्या होता है, आपके फूलों का साइज बड़ा हो जाता है और फूल खिलने भी लगते हैं, जो कलियां बन चुकी हैं वो खिलने लगती हैं, फूलों का साइज इस तरह से बड़ा हो जाता है, फूल पत्तियां सब चमकदार होती हैं। अब ये 2 से 2.5 ml ही लेना है, एकदम ठंडी ऑर्गेनिक खाद है साथियों, गर्मी में भी डाल सकते हो। अब आपको ध्यान रहे कि कब देना है आपको, सुबह 5 से 6 बजे दीजिए जब धूप ना आने पाए, और अगर शाम को देना है तो 5 से 6 के बीच में। देखिएगा एडेनियम प्लांट में कितनी अच्छी रिजल्ट मिलेगी सीवीड फर्टिलाइज़र के डालने से।
इसे मैं डाल रही हूँ। और जो कलियाँ बनी हैं वो एकदम इस तरह से एक साथ में खिल उठेंगी, सारी कलियाँ भर भरा के खिल जाएंगी। अगर आपके पास सीवीड नहीं है साथियों, तो मैंने कई वीडियो में बताया है, प्याज के छिलके, संतरे के छिलके और केले के छिलके भिगोकर उसका रस निकाल कर इस तरह से फर्टिलाइज़र बना लीजिए। अब कई लोगों के प्रॉब्लम है कि प्लांट में कलियाँ सूख कर गिर जाती हैं साथियों, तो मेरे में तो नहीं हो रही है। इसके कई कारण हैं, एक तो आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही होगी या माइक्रोन्यूट्रिशन की कमी होगी, तो आपको अपने प्लांट को अच्छे से मैनेज करके पानी देना होगा, अपने खाद पानी का ध्यान रखना होगा। महीने में एक बार सॉलिड खाद और 15 दिन में एक बार लिक्विड खाद आपको जरूर देनी होगी साथियों, जिससे कि आपके प्लांट में भी इस तरह की हैवी फ्लावरिंग होगी। वीडियो लंबा हो गया है लेकिन पूरी जानकारी तो देनी है। थैंक यू।